Hello my dear students, this is Kundan sir with the topic acid, base and salt. First of all, I'm really sorry for this noise which is coming from the outside and kya karein, ghar ghar mein thodi shaadi hai, iski wajah se hum log thoda disturb. No problem, hum log topic pe concentrate karenge. We are going to discuss about acid. In the previous video, maine iska ek acha sa introductory video bana rakha hai, aap usko dekh sakte ho. उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं. तो बच्चों, आज हमें जानना है डेट व्हाट आर एसिड्स, एसिड्स क्या होते हैं. ठीक है, डिटेल डिस्कशन इसका करना है थोड़ा हमको. तो एसिड बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं. डेट एसिड इज व्हाट, वैसे सब्सटेंसेस जिसका टेस्ट सावर होता है, वैसे सब्सटेंसेस जिसका टेस्ट खट्टा होता है, डेट सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एसिड. बट ये हमारा डेफिनेशन था बचपन का, छोटे बच्चे इसका डेफिनेशन इस तरीके से देते हैं. बट हम लोग थोड़े बड़े हो चुके हैं, तो हम लोग इसका अब एडवांस डेफिनेशन पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं इसके डेफिनेशन के साथ. स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी आई हैव रिटन हियर दैट इट मे बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस. इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एक सब्सटेंस के तौर पे, जो कि विच कंटेन, जो अपने अंदर हाइड्रोजन को कंटेन करता है, हाइड्रोजन को अपने अंदर रखता है. ठीक है बच्चों, और जब इसको हम लोग पानी में मिलाते हैं तो ये डिसोसिएट होता है, आयनाइज होता है और H प्लस आयन रिलीज करता है. चलिए एग्जांपल्स के तौर पे हम लोग इसको समझते हैं. तो बच्चे, आप सभी बचपन से पढ़ रहे हो कुछ एसिड्स के एग्जांपल, जैसे कि HCl जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं. हम लोग पढ़ रहे हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम लोग किंग ऑफ एसिड्स भी कहते हैं. बच्चे और भी एग्जाम्पल्स है हमारे पास, HNO3. बच्चे और भी एग्जांपल्स है हमारे पास, एसिटिक एसिड CH3COOH. तो ऐसे बहुत सारे एसिड्स हैं हमारे पास. ठीक है, सब में कॉमन बात क्या है बच्चों, कॉमन हम क्या देखते हैं दैट इसमें भी H हाइड्रोजन एटम है, इस एसिड में भी हाइड्रोजन एटम है, इस एसिड में भी हाइड्रोजन एटम है, इस एसिड में भी हाइड्रोजन एटम है. और जितने भी हाइड्रोजन एटम्स है बच्चों, वो हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह में प्रेजेंट है, सारे के सारे एसिड्स में प्रेजेंट है. दूसरी बात इसकी करते हैं बच्चों कि जब इसको हम लोग पानी में डालते हैं, ठीक है, जब इसको हम लोग पानी में डालते हैं तो ये आयनाइज होता है. चलो इसको हम लोग लेके आते हैं. इसमें जैसे ही हम इसको इसमें डालते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अंदर डालते हैं पानी में, तो ये डिसोसिएट्स, ये टूट जाता है H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में. ठीक है, उसी तरीके से H2SO4 की बात करें तो यहाँ भी बच्चों ये H प्लस आयन में टूट जाता है और SO4 नेगेटिव आयन में टूट जाता है बच्चों. ठीक है, सिमिलरली सारे एसिड्स के साथ होता है बच्चों, सारे एसिड्स टूटते हैं, डिसोसिएट होते हैं. और कॉमन सब में क्या है बच्चों, ये सब H+ आयन रिलीज करते हैं बच्चों. कोई भी एसिड हो, जब भी वो डिसोसिएट होगा पानी में तो वो H+ आयन रिलीज करेगा. और एक डेफिनेशन भी हमारे पास है जिसमें बताया गया है दैट हाइड्रोजन आयन H+ आयन रिलीज करेगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन्स रिलीज करेगा जब भी एसिड को हम लोग मिलाएंगे वाटर में. ठीक है स्टूडेंट्स, बच्चों अब हम इसके टाइप्स की बात करें. तो बच्चों टाइप्स की बात, तो बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में, कि एसिड को हम लोग कितने कैटेगरीज में बांट सकते हैं और कैसे कैसे बांट सकते हैं, है ना. तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो लेट्स डिस्कस स्टूडेंट्स, अगर हम ओरिजिन की बात करें कि ये कहाँ से आता है, ये बनता कैसे है, तो इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं एक कैटेगरी में. ठीक है, और वो कैटेगरी है बच्चों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड. ठीक है बच्चे, एसिड्स को हम लोग एक कैटेगरी क्राइटेरिया में बांट सकते हैं, और वो क्राइटेरिया है कि इसका ओरिजिन कहाँ है, ये कहाँ से आ रहा है. इन केस बच्चों ये अगर रॉक्स या मिनरल से बनाया जा रहा है तो इसे हम कहते हैं बच्चों ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड.